हेलो क्लास 10, आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताएं। पहली कविता है उनकी उत्साह। तो आज हम उत्साह कविता पढ़ेंगे और निराला जी के बारे में थोड़ा जानेंगे। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि हैं, उनमें से एक है निराला जी। और निराला जी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों से वे प्रभावित थे। उनका पारिवारिक जीवन कष्ट और संघर्षों से गुजरा। उन्होंने अनेक रचनाएं रची हैं और उनकी रचनाओं में हम देखते हैं भाषा में चित्रात्मकता, कोमलता, संगीतात्मकता और प्रकृति एवं प्रतीकों का कुशल प्रयोग उन्होंने किया है, जो कि ये सभी गुण छायावादी कवियों के गुण हैं। उनकी कविताओं में मुक्तक छंद देख सकते हैं। उन्होंने ही सर्वप्रथम हिंदी में मुक्तक छंद की रचना की थी। भाषा की सरलता, सहजता और संस्कृत निष्ठ शब्दावली उनकी कविता की विशेषता है। मतलब भाषा सहज है और सरल है और संस्कृत निष्ठ है, मतलब खड़ी बोली हिंदी के साथ साथ वे संस्कृत भाषा के शब्दों का भी प्रयोग अपनी रचनाओं में करते हैं। इस तरह से हम जो कविता आज पढ़ेंगे उत्साह, इस कविता के अंतर्गत बादल को एक और तो लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया गया है, उन्हें खुशी देने वाला, और दूसरी तरफ उन बादल को ही विध्वंस और विप्लव, विद्रोह, क्रांति की चेतना का प्रतीक भी बताया है कवि ने। और कवि निराला इस कविता के माध्यम से सामाजिक क्रांति एवं बदलाव लाना चाहते हैं। उनका मानना है कि जिस तरह से बादल एक ओर खुशी देता है, उत्साह, इच्छाएं पूरी करता है, उसी तरह वे दूसरी ओर हमें और एक सीख देता है कि हमें जैसे वह गरज कर वर्षा होती है बादल गरजने के बाद, वैसे ही हमें भी किसी भी चीज़ का सामना, विद्रोह करना चाहिए, उसके आगे डर कर बैठना नहीं चाहिए। तो कविता देखते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, धाराधर, धाराधर का अर्थ है बादल। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि बादल को पूरे गगन में, आसमान में घिर जाने को और गरजने को जोर जोर से। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, यहाँ पे वे तुलना कर रहे हैं। ललित ललित अर्थात सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों से वे किसकी तुलना कर रहे हैं, बादलों की तुलना कर रहे हैं, जो कि देखने में प्रतीत हो रहा है कि कोई घुंघराले काले बाल हो। और वे कैसे हैं, कल्पना कैसे पाले, ऐसा लग रहा है कि वे कल्पना के की तरह है। जिस तरह कल्पना क्या है, हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, कल्पना की कोई सीमा नहीं है, उस तरह से बादल क्या है, बादल पूरे क्षितिज में छाए रहते हैं, उनकी भी कोई सीमा नहीं है। इस तरह से यहाँ तुलना की गई है। विद्युत छवि उड़मे कवि नवजीवन वाले, यहाँ आप कवि बादल की तुलना कवि से कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कवि के हृदय में एक विद्युत छवि होती है, एक तीव्रता, एक बिजली से जैसी चमक होती है, वैसी ही चमक क्या है, बादल के अंदर भी है। बादल जब गरजता है तो बिजली चमकती है, और जिस प्रकार से कवि नवजीवन का संचार करता है, उसी तरह से बादल भी बारिश लाकर नवजीवन का संचार करता है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, वे कहते हैं कि जो उसके अंदर जो कठोरता छिपी हुई है, उस कठोरता को बाहर पानी के रूप में बहा दो और वर्षा करो। और एक तरफ कवि भी क्या करता है, उसके अंदर जो कठोरता होती है, जो भावनाएं होती है, जो कठोर होती है, उसे ही वह क्या करते हैं, कविता के रूप देते हैं और नई कविता का निर्माण करते हैं। तो यहाँ तक हम ये समझते हैं कि बादल को उन्होंने एक तरफ जहाँ उत्साह का प्रतीक माना है, वहीं दूसरी तरफ वे विद्रोह, क्रांति का भी प्रतीक मानते हैं बादल को। आगे है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाक के सकल जन, यहाँ बताया जा, कवि कह रहे हैं कि चारों ओर सभी लोग क्या है, बेचैन है। विकल अर्थात बेचैन है, उन्मन अर्थात उदास है, सभी लोग उदास और बेचैन है। विश्व के निदाक के सकल जन, निदाक अर्थात गर्मी, सकल सारे जन क्या है, अभी गर्मी के मौसम आते ही क्या होता है, गर्मी में सभी लोग गर्मी से झुलस गए हैं और गर्मी से वे बचना चाहते हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और अनंत आकाश, आकाश के घन बादल को कहा गया है कि तुम आओ अज्ञात दिशा से, अनजान दिशा से,
और अनजान आकाश से आकर तुम तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, और इस तपती हुई धरा तपती हुई धरती को तुम जल से फिर से शीतल कर दो और सारे जन को उत्साह उमंग दे दो, खुशी दे दो, जो वो चाह रहे हैं कि वो अभी इस गर्मी से जिससे वे परेशान हैं, जिससे वे दुखी हैं, उस दुख को तुम दूर कर दो और पूरे धरा में पूरे धरती में जल की बूंदें बरसा दो। इस तरह से इस कविता में हमने देखा कि एक ओर उन्होंने बादल को विद्रोही रूप में दिखाया है, एक ओर उन्होंने बादल को ही उन्होंने उत्साह खुशी देने वाले के रूप में दिखाया है, और साथ ही साथ उन्होंने कवि से भी तुलना की है कि कवि भी ऐसा ही होता है, वह अंदर से कठोर होता है पर वह नव कविता के माध्यम से नवजीवन का संचार करता है और हम तक एक नए विचार को एक नई भावना को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उसी तरह इस कविता को में भी किया गया है। तो इस कविता के भावार्थ को आपको लिखना है और अगले क्लास में हम निराला जी की अगली कविता पढ़ेंगे, अट नहीं रही है।